गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और खाना वाना हो गया आप लोगों का? मेरा हो गया। आज बहुत अच्छे दही बड़े बनाए थे मम्मी ने, पर सॉरी मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई है आज, तो बहुत हौच-पौच हो रहा है घर में, बहुत भागम भागी, मेहमान आना शुरू हो गए। मैंने पहले भी बताया था, बीच में सिस्टर चली गई थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम था प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब तो प्रोग्राम बहुत पास में ही है इसलिए सारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा, वो मतलब कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, किस चीज़ से मुझे इतना मेरी लाइफ में चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों को मालूम है, और भगवान बालाजी सरकार की ऐसी कृपा भी रही कि हमारी विनती वहाँ पर सुन ली गई। बालाजी ने हम पर कृपा कर दी और उनकी कृपा ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और यदि आप लोग भी करोगे सच्चे मन से तो डेफ़िनेटली आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस मंगलवार लो या शनिवार या फिर डेली आप लोग जैसा भी हो, जैसी आप लोगों की सुविधा हो, आप हनुमान जी जो बालाजी सरकार हैं उनकी तस्वीर आप सामने रखिए और उनकी पूजा करिए, है ना। पूजा करके आप जो भी आपकी इच्छा है, जिस ध्येय को लेके या जिस उद्देश्य को लेके, जिस मनोकामना को लेके आप मन में रखे हुए हो, उसको मन में रिवाइन करिए, आप बोलिए, रिवाइज करिए बार बार कि जो भी है आपकी इच्छा वो भगवान के आगे बिल्कुल मन में बोलिए, किसी को बताइए मत, अपने अंदर रखिए। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं इनको ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। आप भगवान से क्या मांग रहे हो, क्या शेयर मत करो, किसी से भी मत बोलो, अपने मन में रखो कि, और अपने बालाजी सरकार को, सरकार से बोलो, क्योंकि बालाजी सरकार हमेशा बोलते हैं, मतलब बालाजी सरकार नहीं, बालाजी सरकार कहाँ से बोलेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि जब यदि आप बागेश्वर धाम जाते हो या कोई से भी मंदिर जाते हो, हमें नहीं कह रहे कि सिर्फ बागेश्वर धाम, आप जिस भी इष्ट को मानते हो और आप वहाँ जाते हो तो आप उनको अपने आप को सौंप दो, उनको बोलो कि अब आप ही हमारे हो, आपको ही सब कुछ करना है। कहते हैं ना कि आप अपने दुख दर्द कहने के लिए किसी और को ढूंढते हो, तो वही दुख दर्द आप भगवान से क्यों नहीं बोलते, उनसे ही क्यों नहीं हेल्प मांगते? आप दूसरों से उम्मीद मत रखो, भगवान से उम्मीद रखो, भगवान सब कुछ करके देंगे। तो वैसे ही बालाजी सरकार आपको सब कुछ करके देंगे। मैं भी बागेश्वर धाम गई थी, मैंने अपने आप को सौंप दिया, मैंने बोल दिया भगवान बालाजी सरकार आपको ही जो कुछ करना है, जो सही हो वो चीज़ करो, हमें नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं वो ही सही, आपको जो सही लगता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आप वो करिए। तो वो एक चौपाई है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मैं करती हूँ, कि हनुमान जी सरकार जो है बालाजी सरकार की सामने एक तस्वीर रखती हूँ और उन जो अपनी माला रहती है, माला को आप उसमें डालिए, उसकी जो रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताना, उसमें डाल के और फिर आप माला करना है आपको तो, लेकिन पहले आपकी जो मनोकामना है वो आपको मन में रखना है, उनसे बोलना है, और फिर जो मंत्र है वो मंत्र क्या चौपाई है, कवन सो काज, लिख लीजिए आप लोग, कवन का वन, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। इसको आप 108 बार बोलिए जिस मनोकामना को लेके आप कर रहे हो, और आप इसको डेली करिए, है ना। ये कोई नहीं है कि आपको एक ही दिन करना है या दो दिन करना है या चार दिन करना है, लेकिन आपको ये चीज़ करना ही है, डेली करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि आस्था से ही सब कुछ होता है। यदि आपकी आस्था नहीं होगी तो आपका कुछ भी काम नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको पहले आस्था जगानी है, एक विश्वास जगाना है, आस्था और विश्वास आपका जग जाएगा तो आपके काम ऐसे ही होना शुरू हो जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ कि मैं कितना परेशान रही हूँ अपनी लाइफ में, और ऐसा नहीं कि मेरी परेशानियाँ सारी दूर हो गई, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज शांति है, अच्छा लगता है मेरे को, अपने काम में मैं बिजी हूँ, भगवान की कृपा, और ऐसे ही बनी रहे। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा एक दिन में, आपने बोला और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा चमत्कार नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 सब कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि आपका मन शांत होने लगता है तो बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले आपका चित्त शांत होना, मन शांत होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और आपका मन शांत है तो आपका हर काम में मन लगेगा और हर चीज़ में आपको प्रोग्रेस भी दिखने लगेगी कि हाँ मैं जो कर रही हूँ सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, है ना। और ये सोच के मत चली कि यार हमने चार दिन किया, 10 दिन किया और हमें फ़ायदा नहीं हुआ, अब हमें नहीं करना है,
ये बहुत लोगों में होती है ये चीज़ कि यार 2, 4, 8, 10 दिन पाठ किया और फिर छोड़ दिया, अरे हमें कुछ नहीं हो रहा है। बोलते हैं लोग ऐसे कि आपको क्या पता कैसे हो गया, हम तो इतना कब से कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने वो आस्था भी नहीं जगाई होगी ना, वो विश्वास नहीं दिखाया होगा बालाजी सरकार ने। एक बार आप दिखाइए तो अपना विश्वास दिखाइए, और इस चौपाई को आप बोलिए, कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। मतलब ये चौपाई जब बोली गई थी, जब उनकी अंदर की शक्ति जगाने के लिए बालाजी सरकार की, जब वो मतलब इसमें जा रहे थे ना, ये राम जी सीता जी को लेने के लिए जा रहे थे, वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं, उनकी शक्ति जगाने के लिए ये चौपाई बोली जाती है उनको, बालाजी सरकार के लिए। तो आप लोग भी वो चौपाई करिए, डेली करिए। मैं खुद करती हूँ, बहुत टाइम से कर रही हूँ, और मैं गुरुजी से मिलने से पहले कर रही हूँ, शास्त्री जी से मिलने से पहले ये चौपाई कर रही हूँ बहुत टाइम से। और मैंने मन में ये कभी नहीं जगाया था कि मेरी कोई अर्जी लगेगी या कुछ भी, सच बता रही हूँ, ये मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन चमत्कार हुआ मेरे साथ, बालाजी की कृपा हो गई, उनने सोच लिया होगा कि बहुत टाइम से दुखी आत्मा है ये, इसके ऊपर अब कृपा कर दो। तो यही हुआ है दोस्तों, क्योंकि मेरी तरफ से कोई अर्जी नहीं लगाई गई थी। ये मैं हर बार बोलती हूँ कि मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, खुद बालाजी सरकार की कृपा मेरे ऊपर हुई। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, ऐसी ही कृपा बालाजी की बनी रहे, सन्यासी बाबा की बनी रहे, गुरुजी की बनी रहे, बस और क्या चाहिए, किसी को भी क्या चाहिए, बस एक कृपा उनका हाथ अपने ऊपर बना रहे वो ही काफ़ी, बाकी तो अपन सब कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बताया कि कई दुखी लोग हैं, कई लोग मुझे कमेंट करने की मैडम ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो पढ़ के अंदर से बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि यार। तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ही, हालांकि मैंने सारा विधि विधान शेयर किया हुआ है कि मैं डेली कैसे पूजा पाठ करती हूँ, वो वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके चैनल पर देखिएगा। आपको कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम बाद के वीडियो देखोगे ना आप, तो आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें पूरी विधि विधान से बताया कि मैं डेली कितने पाठ करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ। मुझे डेली करीब 25 से 30 मिनट पूजा पाठ में लगता है, और मैं भगवान के लिए इतना टाइम निकालती ही हूँ मेरे इतने बिजी शेड्यूल में। इसलिए ये बहाना कभी मत बनाना कि हम बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि जब आपके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है 5, 10, 15, 20 मिनट, तो भगवान के पास फिर क्यों होगा आपके लिए टाइम? पहले आपको टाइम निकालना होगा, भगवान नहीं निकालेंगे आपके लिए टाइम। तो पहले आप टाइम निकालिए उनके लिए, और दिल से बिल्कुल, आपने 5 मिनट भी यदि, वही नहीं कह रहे कि आडंबर करो, बैठ के खूब घंटी बजा रहे हैं या खूब कंटिन्यू कर रहे हैं, आडंबर की जरूरत नहीं। आपने 2 मिनट भी सच्चे मन से नाम ले लिया ना, तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा, और आपको उन सब के प्रभाव दिखने लगेंगे बहुत जल्दी। और करके देखिए, मेरी बात मान के देखिए एक बार ज़रूर, और फिर बताना मेरे को कि कितना कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हुए हैं ये सब करने के बाद। बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को मन की शांति मिलेगी और प्रोग्रेस होगी। कई लोगों की जो प्रोग्रेस रुकी है, कुछ भी चीज़ आप किसी भी चीज़ को लेके करते हैं तो वो काम आपके होने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चमत्कार नहीं होगा कि आज बोला है तो आज ही होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, हर चीज़ टाइम लेती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये यदि आपको लगता है ये मतलब चौपाई, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे देती हूँ आप लोगों को, तो आप ये चौपाई वहाँ से लिखकर मतलब देखकर आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ। भगवान बालाजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे, सच बता रही हूँ, बस जब से उनकी कृपा हुई है ये सब चीज़ मेरे सामने दिखने लगी है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, बहुत बहुत ज़्यादा मेरी आस्था है। और जितना भी मेरे मन में नेगेटिविटी आती है ना, वो सब भगवान के पास जाके बैठ जाती हूँ मैं, बालाजी सरकार के, कि बस आपको ही करना है, ये सब चीज़ें हटाओ सब कुछ मतलब, और जो परेशानियाँ मेरे को आप दे रहे हो या स्ट्रेस दे रहे हो या फिर टेंशन है, तो वो सब मैं उनसे ही बोलती हूँ। क्योंकि देखो, लाइफ में सब कुछ लगा है, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो है ही, टेंशन भी है, बच्चियाँ हैं तो टेंशन है ही, है कि नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनको बड़ा करना है, एज ए सिंगल पेरेंट कितना मुश्किल होता है, लेकिन कर रहे हैं, ये नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन भगवान का साथ मिल रहा है तो बहुत अच्छे से हो रहा है। सबसे बड़ा साथ भगवान का साथ होता है, बाकी इंसान तो सब देखने के ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ, बाय बाय।